Assalamualaikum friends, hello everyone, नमस्ते आप सभी का जी, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सहर, मैं हूं आप देख रहे हैं हम जिसको रिएक्शन, आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले तो प्लीज क्रिकेट लवर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस मिलने वाली हैं। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं ना, ईशान किशन एंड शुभमन गिल के जो फनी मोमेंट्स है ना, वो देखने में मुझे सच्ची में बड़ा मजा आता है। दोस्ती है, मुझे लगता है काफी टाइम से ना ये इकट्ठे खेलते आ रहे हैं, तो आपको पता है दोस्ती गाड़ी बन जाती है, तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत इनके ऐसी ना वीडियोस नजर आती हैं। देखते हैं इनके भाई फनी मोमेंट्स देखने में मजा आएगा, तो देखते हैं आज की वीडियो। पिछले साल एलएसजी के साथ एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हुआ मेरा, मैं उनके साथ चार मैच खेला हूं, मेरी 2-0 है और 2 मैच हुआ लखनऊ सुपर, दोनों बार पहली दूसरी बॉल पे आउट हुआ हूं, और या तो नॉट आउट रहा हूं या जीरो पे। इसको कहते हैं कभी शतक कभी बतक। अबे साले कोई सेंसेस बात नहीं। तो अगली क्लिप है ईशान सर की, जब उनसे एंकर ने पूछा कि आपके फैन जो आपके लिए चैंटिंग करते हैं तो उनमें से कौन सा चैंटिंग आपको पसंद है, तो इस पर ईशान सर बहुत मस्त रिप्लाई करते हैं। That has made your day on the field. I think I've seen these days people saying 10 रुपए की पेप्सी ईशान भाई से ऐसी। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? तो अगली क्लिप है सुभमन सर की, जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप वेनम और स्पाइडरमैन अपने क्रिकेटर फ्रेंड्स में से किसको बनाना चाहोगे? मेबी वेनम विराट जी, सुपर हीरो, एंड स्पाइडरमैन खुद ही बन जाए। ईशान किशन, हां क्या दोस्त है। थैंक्स, हाय, love you। तो अगली फनी क्लिप है ईशान सर की, तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट वीडियो देखते हैं। Hi, I am Ishan Kishan and you can watch me on BKC तो बेटर कुल्ला कॉम्प्लेक्स है। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। तो अगली क्लिप है सुमन सर की और ये एक सैवेज मोमेंट है, तो चलो वीडियो को ही देखते हैं। It's fine. Not really. For me when I go on the field with my pads and helmet on, एक ही चीज, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं दिमाग में, बट मेन चीज क्या होती है कि मुझे कैसे रन करने हैं yeah. और किसको कैसे रन करना है, बस। तो अगली फनी क्लिप है ईशान सर की, क्योंकि वो तो हमेशा ही मजाक मस्ती करते रहते हैं, तो वो संजू सर की नकल उतार रहे थे। कोई स्टार्ट, संजू भाई वाज देयर, बैठे, हां सब लोग अच्छा, बैठे। अच्छा, ये भी नहीं पता लोगों को कि संजू जो है वो मजाकिया है, लोगों को लगता है संजू बहुत ही मतलब नहीं 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 गजब है, वो भी वो एकदम इनबिल्ट है उनके अंदर, हंसते भी मस्त है ना वो। संजू तो अगली क्लिप है सुमन सर और ईशान किशन की, तो चलो वीडियो देखते हैं। इतना प्यार, तो अगली फनी क्लिप है ईशान सर की, जब वो अपने स्कूल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। छुटता है तो मैंने पापा से पूछा कि पापा मेरे को बहाना लिख के भेजना है, एप्लीकेशन देना है, तो क्या करूं? पापा मेरे को अजीब बता रहे कि ऐसे लिख दो। मैंने बोला पापा दादाजी को मैं वो कर देता हूँ कि उनका लास्ट विश था। और अभी तक मेरे परदादा भी जिंदा है। गजब तू बीमार आदमी। तो अगली फनी क्लिप है सुभमन सर और नायर सर के बीच में, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे। सुभमन को आउट करने वाला था, क्या हो गया? तो मैं मारोगे ना तो कैसे आउट करूंगा? मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। आ यस, ये क्या यस? ए साउंड, दो है, दो है, दो रन, दो रन। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई। तो अगली सैवेज क्लिप है ईशान सर की, जब वो एक इंटरव्यू में अपने फर्स्ट मैच की फर्स्ट बॉल की बात कर रहे थे। एडी सिल्वा, धनंजय को अब याद आया, मैंने बोला पहला बॉल क्या है यार, छक्का ही जो है पहला बॉल, छक्का लगा दिया। लोग ऐसा सोचते है ना कि यार पहला बॉल है, थोड़ा संभल के खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट का। मैं बोला भाई जमाना बदल गया, एक देने का ना छक्का लगा दिया। तो अगली फनी क्लिप है विराट सर और शुभमन सर की, बाल उड़ा रहे हैं।
तो अगली क्लिप है ईशान सर, दीपक सर और शुभमन सर की एक फनी मोमेंट की। फ्लाइट में सो रहे हैं जो अरबूज के उनको ना तंकर नोटी हो रहा के तंग कर रहे हैं नोटी हो रहा। तो अगली क्लिप है रोहित सर और ईशान सर की, जब रोहित सर ईशान सर का इंटरव्यू ले रहे थे। आपने 200 बना के आपने 3 मैच नहीं खेला यार भैया, कैप्टन तो आप हटा दिया बट ठीक है, सब चीज से सीख मिलती है। हंसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि मतलब कोई तकलीफ नहीं हुंदी। तो अगली क्लिप है शुभमन सर और ईशान सर की, जब शुभमन सर ईशान सर की इंटरव्यू ले रहे थे। यू वर क्लोज टू 200, यू हैड अ चैट विद विराट भाई, व्हाट वाज द चैट अबाउट? मैंने पहले बोला कि भैया प्लीज मेरे को बोलते रहिए सिंगल लेने के लिए, मैं उड़ा दूंगा वरना आगे बढ़ के, मुझे अंदर से बहुत बोर रहा है। यार बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं बात करते हैं। तो अगली 2-3 क्लिप है द बॉयज मोमेंट, तो बस एंजॉय करो। आपने 200 बनाया था तो उसमें मेरा कितना योगदान था थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैच के पहले इन्होंने मुझे बोला था बहुत सीरियस रहने और टाइम पे सोने के लिए कि करना है तुझे ये, बिलीव रख कि तुझे 100 मारना है। मैंने इनका एक भी बार नहीं सुना। तो चलो यार आज की वीडियो के लिए जी, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो काफी ज्यादा वीडियोस थी, नहीं पहले ऐसी कभी वीडियोस देखी, इतनी कमाल की, इतनी क्लियर वीडियोस थी कि क्या बात, मजा आ गया देखने में। ईशान किशन और शुभमन गिल के जो फन मोमेंट्स थे ना, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। दोस्ती की यार काफी ज्यादा, वैसे विराट कोहली के साथ ही ना शुभमन गिल के काफी अच्छे रिश्ते लाइक ताल्लुक है, और अनफॉर्चुनेटली यार जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है ना, तब से शुभमन गिल को ना डेंगू हो गया, डेंगू बुखार हो गया, तो उस वजह से वो अभी हॉस्पिटल में है, तो अभी आज भी इंडिया का मैच है। हम तो ये प्ले कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए, और वो जो पाकिस्तान और इंडिया का और कोई मैच खेले ना खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल, वो एक ना यंग टैलेंट है, तो उनका सामने पहला वर्ल्ड कप है, हाँ पहला वर्ल्ड कप है, एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो इसमें परफॉर्म करते हैं किस तरह से वो खेलते हैं। अभी तो वैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट जितनी भी उन्होंने खेली है बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, तो अभी उनको वैसे बुखार है, तो कह रहे हैं कि शायद हो सकता है वो 14 अक्टूबर वाले दिन जो पाकिस्तान उस मैच से भी वो बाहर हो जाए, क्योंकि आपको पता है डेंगू बुखार होता है, उनके काफी ज्यादा शायद प्लेटलेट में कमी आ चुकी है, और भी आपको पता होता है ना, तो इस वजह से काफी 6 तारीख से आपको पता है 6 या 5 तारीख का वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, तो आज भी हफ्ता डेढ़ हो चुका है, तो अभी उनकी कंडीशन नहीं, लेकिन वो फीवर जरा हाई है इस वजह से, बट दुआ यही है कि यार वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और भाई वो अपना गजब उठाए, हम भी देखें भाई, बहुत ही अमेजिंग वो बल्लेबाज है, और उनके मूवमेंट्स हमने देखे, उनके बिना इंडियन टीम वीक है सच्ची में अगर देखा जाए ना, तो वो बहुत ज्यादा अहम रोल अपना जब से अभी, हालांकि उन्हें कोई बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ उनको ज्यादा से ज्यादा, अभी उनका स्टार्टिंग है करियर का, और उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया कि ODI रैंकिंग में वो सेकंड नंबर पर अभी आ चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन तो मैं तो पहले ही बोल रही थी कि उनका ODI में जो सेकंड रैंक है, हो सकता है कि वो जो वर्ल्ड कप में तो फर्स्ट पे आ जाए, हो सकता है, मैं ऐसा बोल रही थी, लेकिन यार अभी उनको बुखार है, तो वो कोई भी मैच नहीं खेले, आज का मैच भी वो मिस करने वाले हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो में बड़ी
हैरानी हुई यार, ये इतना ज्यादा फर्क करते हैं वो भी ईशान किशन के साथ। हाँ, बड़ी दोस्ती है यार उनके साथ, इनकी और काफी ज्यादा उनके साथ घुल मिल कर रहते हैं, एंजॉय करते हैं, जब कोई ये स्पोर्ट करे फिर भी एंजॉय करते हैं या वो स्पोर्ट करे, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने डबल सेंचुरी की हुई है, तो वो बहुत ही एक बड़ा ना एजाज होता है आपके लिए कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी टीम के खिलाफ 200 स्कोर 50 ओवर क्रिकेट में, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है इसमें कोई शक नहीं। वो जो ईशान किशन है ना, वो भी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर, अभी इन दोनों का करियर अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी ये अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे, ताकि क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद या कुछ आने वाले एक दो साल में ना इंडिया की टीम से खिलाड़ियों ने भी रिटायर होना शुरू हो जाना, क्योंकि विराट का तो यार हो सकता है एक दो साल में, क्योंकि उनकी एज काफी ज्यादा होगी, 10-15 साल का करियर उनका हो चुका है, तो अभी अगर वो परफॉर्मेंस को अपनी को कंटिन्यू करेंगे तो खेलेंगे, अगर आपको पता है एक टाइम आता फिर आपसे ना उस तरह से खेला नहीं जाता, तो आप खुद ही वो छोड़ देते हैं, ताकि इतनी ना लाइक आपको पता चल जाता कि यार मुझसे अभी नहीं खेला जा रहा, तो अभी बस सपोज, लेकिन अभी देखते हैं यार क्या होता है आगे चलकर। तो वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलता है।